हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3D बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इसकी थ्योरी आप लोग जान लीजिए। तो एक्सरसाइज 3D में ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, और इसमें प्रॉपर्टी जो बता रहा है, कह रहा है पहली प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो होल नंबर। होल नंबर हम उसको ये मानते हैं कि जो जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ऐसे सारे जो नंबर्स होते हैं उसको हम होल नंबर मानते हैं। नेचुरल नंबर्स तो वो होता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो एक से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर तभी शामिल होता है जब हम उसमें जीरो जोड़ लेते हैं। तो होल नंबर में अगर कोई दो संख्या दी गई है और उनका आपस में गुणा करते हैं तो वो संख्या हमें वही मिलेगी जो कि होल नंबर्स टाइप में जो संख्या हमको दी गई रहती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स ए इंटू बी बिलोंगिंग टू होल नंबर्स। मान लीजिए ये होल नंबर है तो आने वाला भी जो होगा वो हमें होल नंबर्स ही मिलेगा। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में कह रहा है इफ एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि ये कह रहा है कि सपोज दैट मान लीजिए 8 × 7 किया जाए या 7 × 8 किया जाए तो दोनों क्या होंगे, यहाँ भी वही आएगा, वहाँ यहाँ भी वही आएगा। तो एज फार ये आपका एग्जाम्पल समझने की चीज है, तो दोनों में दोनों साइड में क्रम भले ही इनका उलट दिया जाए, यानी कि इनका क्रम भी नियम इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर इनका क्रम भी उलट दिया जाए तो भी इनका यही होगा, और इसी का नाम दे दिया गया है कम्यूटेटिव लॉ। फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी संख्या में कोई भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या, एक अंक की संख्या, चार अंक की, पांच अंक की, और इसमें अगर जीरो का गुणा कर दें या जीरो में इसी संख्या का हम गुणा कर दें तो हमको जीरो मिलेगा। ये भी एज फॉर एग्जाम्पल हमने समझाया है कि अगर किसी संख्या में जीरो का गुणा कर दिया है, जीरो में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो संख्या जीरो ही होती है। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, यानी कि दिया हुआ है कोई भी संख्या, सपोज दैट किसी भी संख्या में, यदि मान लीजिए इसी संख्या को ले लेते हैं और अगर इसमें एक का गुणा कर दिया जाए, एक में इसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या हमको वही मिलेगी। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे इस संख्या को लिया है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वो संख्या हमको वही मिलती है, किसी संख्या में एक का गुणा करें या एक में किसी संख्या का गुणा कर दें तो वो संख्या हमको वही मिलती है। फिर आप ये बात एसोसिएटिव लॉ कराइए, ए बी एंड सी आर एनी होल नंबर्स देन ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी,
एसोसिएटिव लॉ, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी पहले दो संख्या का अगर आपस में गुणा करने के बाद तीसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो बाद में हमें दूसरी तीसरी संख्या से गुणा करने के बाद हमें पहली संख्या से जो गुणा करने पर मिलता है वो दोनों एक बराबर होंगे। यही कहानी का मतलब है, यानी कि मान लीजिए 8 7 × 10 कर दिया जाए या 8 × मान लीजिए यहाँ पे 7 × 10 ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 8 7 56 × 10 करेंगे और यहाँ पे 8 × 7 10 70 तो यहाँ पे देखिए 560 यहाँ पे मिलेगा और हमें यहाँ भी 560 मिलेगा। यानी कि दो संख्या का आपस में गुणा करके पहले दो संख्या का और तीसरी संख्या से गुणा कर दें या दूसरी तीसरी संख्या का गुणा करने के बाद हम पहली संख्या से गुणा कर दें तो हमें उतना ही मिलता है जितना लेफ्ट साइड में मिलता है उतना ही हमें राइट साइड में भी मिलता है। यही सब कहने का मतलब है। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये इस तरह से होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सपोज दैट ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह से होगा। तो गाइस ऐसे इसका क्या होगा, ये हो गया इस तरह से, यानी कि इन दोनों संख्या का जोड़ करके इससे गुणा करें तो यहाँ भी वही मिलेगा जो हमें इससे यहाँ पे मिलता है। और ये हम गुणा करने का मतलब यहाँ पे इतना एक्सपेंड क्यों किया गया कि ये जो तीसरी संख्या है ये बाहरी वाली संख्या से इसमें भी गुणा होगा और जोड़ा जाएगा फिर बाहरी वाली संख्या का इसमें भी गुणा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यहाँ पे इस तरह से किया गया है। अब इसी का दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, यानी कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट माइनस ए इंटू सी। सेम सिस्टम वही है जो एडिशन में है और यही सिस्टम यहाँ सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करता है, बट यही क्या है इसके जो ये साइन है ये प्लस और ये माइनस ये दोनों से बदल जाएंगे, वहाँ प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। सो गाइस इस तरह से इसकी थ्योरी हमने आपको बता दिया। तो ये प्रश्न जो है एक्सरसाइज 3D आपका इसी पूरे पर डिपेंड करेगा और कल फिर हम आपको इसको बारे में नेक्स्ट डे यानी कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं, ये सारे के सारे थ्योरी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कल हम इसके बारे में बता देंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।